हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिल्पास चैनल। आज हम बनाएंगे गुजराती खट्टा ढोकला, जिसे हम लाइव ढोकला भी कहते हैं। तो देखिए, बिल्कुल मार्केट जैसे ढोकला बन के रेडी हुए हैं, तो आज हम आपको उसकी रेसिपी बताएंगे। और फ्रेंड, हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, हमारे ढोकले बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं। तो देखते हैं, ये हमने आधा कप चने की दाल और एक कप मोटे वाले चावल जो खिचड़ी बनाने में यूज होते हैं वो हमने लिए हैं। इसको अच्छे से धो के छाछ या दही में 6 से 7 घंटे तक गला के रखना है। अब 6-7 घंटे हो गए हैं और हमारा फर्मेंटेशन हो गया है दाल चावल का, तो हम एक्स्ट्रा छाछ जो है उसे एक ग्लास में निकाल लेंगे। इसे फेंकना नहीं है, इसे भी हम यूज़ कर लेंगे। इसको पीसते टाइम अगर पानी की ज़रूरत लगेगी तो हम ये ऐड करेंगे। तो हमें एक मिक्सचर जार में इसको ले लेना है और इसको ग्राइंड कर लेना है। बैटर ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमने इसको पीस के रेडी कर लिया है और जो फर्मेंटेशन वाली छाछ थी वो भी हमने इसमें डाल दी है। तो हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये बैटर इस तरह का होना चाहिए, जो ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। और दानेदार बैटर बना के रेडी किया है हमने। और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, जिससे हमारे ढोकले का कलर बहुत ही अच्छा आता है। कुछ लोग इसे बिना हल्दी के भी बनाते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, हल्दी की एक भी दाना नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ढोकले का रंग लाल हो सकता है। साथ में हम डालेंगे अजवाइन, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो अजवाइन ज़रूर डालें आप। और साथ में हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और ये हमने 6 से 7 कली लहसुन की, 3 हरी मिर्चें और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेके इसकी पेस्ट बनाई थी, तो इसे भी हम मिक्स करेंगे। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने गैस पे एक कढ़ाई रखी है और जिसमें पानी रख दिया है और मटके का स्टैंड आता है वो रखा है। और इस तरह की कोई भी प्लेट लेनी है हमें और उसको ग्रीस कर लेना है ऑयल से। अब इस ढोकले में हमें हमेशा मूंगफली का तेल ही यूज़ करना चाहिए, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप भी हो सके तो मूंगफली का तेल ही लीजिए, जिसे हमने प्लेट पर लगा दिया है। और साथ में हम एक कटोरी लेंगे और उसके अंदर मीठा सोडा है 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच लिया है उसको डालेंगे और 1 चम्मच पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो हमारा बैटर रेडी किया है उसके अंदर डालेंगे। सोडा डालने से ढोकला एकदम सॉफ्ट बनता है, तो हमने ये डाला है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। हमारा बैटर फूल के अच्छे से रेडी हो गया है और ये पानी भी गर्म हो गया है, तो हम ये ग्रीस की हुई प्लेट इसमें रख देते हैं। और प्लेट भी गर्म हो चुकी है हमारी, तो हम इसमें बैटर को डाल देंगे। और इस ढोकले को हमें पतला ही बनाना है साइज में, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। ट्रेडिशनली ऐसे ही बनते हैं ये। और अब इसके ऊपर हम लाल मिर्ची स्प्रिंकल करेंगे। आप स्वाद अनुसार मिर्ची ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। और अब इसको लगभग मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए हमें स्टीम करना है, तो इसे हम ढककर स्टीम होने देंगे। चुके हैं और हमारे ढोकले भी लगभग अच्छे से रेडी हो चुके हैं। हम इस तरह से चाकू डाल के इसको चेक करेंगे, चाकू क्लियर आ रहा है, इसका मतलब कि हमारे ढोकले बनके रेडी है।
तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और 2 मिनट ठंडा होने के बाद इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। तो मूंगफली का ऑयल ही लगाइए, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने मूंगफली का ऑयल लगा लिया है इसके ऊपर। और अब हम इसके पीस करेंगे। आप अपने पसंद के अनुसार इसके छोटे या बड़े पीस कर सकते हैं। इसे चारों तरफ से भी चाकू से निकाल लेंगे इस तरह से, और बहुत ही आसानी से हमारे ढोकले प्लेट में से निकल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट ढोकले बन के रेडी हुए हैं और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छे बने हैं। अब हमने ये ढोकले के साथ स्पेशल जो चटनी आती है लहसुन की, उसको सर्व किया है और टोमेटो केचप भी रखा है। और अब ढोकला सर्व करेंगे। तो आप भी इसी तरह घर पे गुजराती ढोकला बनाइए, और आपके ढोकले कैसे बने वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये हमने ऊपर मूंगफली का ऑयल भी डाला है। ट्रेडिशनली इसे ऐसे ही खाया जाता है, इसलिए अभी मैं सर्व कर रही हूँ। और ये हमारे ढोकले बनके रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।